एक मेरे पास नॉर्मल कपड़ा है जो कि हम घर में से यूज करते हैं, और दूसरा ये मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। और दोस्तों अब इस हैंड ग्लव्स को भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो कि आपको अपनी कार के अंदर रखना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको पहले ही यूज़ करते हों, लेकिन जो लोग नहीं यूज़ करते हैं उनको मैं बता देता हूं, ये सॉफ्ट स्पिन कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाती है जो हमारी कार के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्ट स्पन माइक्रोफाइबर लिखा हुआ है जो कि इसकी कंपनी ब्रांड नेम है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको साइड पे रखता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमें मिल जाता है ये हैंड ग्लव्स टाइप का होता है जो कि हमारी कार को साफ़ करने में बहुत ही काम आता है। और जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, जिसकी मदद से हम अपने कार के डस्ट को बहुत ही आसानी से और बिना मेहनत के कम टाइम में साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसकी कंपनी ब्रांड नेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सॉफ्ट स्पन माइक्रोफाइबर। और सबसे अच्छी बात जो है ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ ये कंपनी माइक्रोफाइबर क्लॉथ बनाती है, और इसी के साथ इसमें हमें काफ़ी कलरफुल माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाते हैं। मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इनका जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी कार को साफ़ करने के लिए ऐसे ही घर में से कोई भी कपड़ा उठा लेते हैं और उसी से साफ़ कर लेते हैं। उस कपड़े से गाड़ी को साफ़ करने का जो नुकसान है वो ये है दोस्तों, सबसे पहले तो उससे गाड़ी ढंग से साफ़ नहीं होती है, और जो हमारी गाड़ी का पेंट होता है उसके ऊपर भी स्क्रैच आ जाते हैं उस कपड़े की वजह से। और दूसरी बात, मेहनत बहुत लगती है, और उससे हम काफ़ी मेहनत करने के बाद गाड़ी को साफ़ कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी गाड़ी जल्दी से साफ़ होगी। तो एक बार डेमो भी देख लेते हैं कैसे साफ़ करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर गिरा हुआ है। तो एक मेरे पास नॉर्मल कपड़ा है जो कि हम घर में से यूज करते हैं, और दूसरा ये मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। तो पहले मैं इस वाले नॉर्मल कपड़े से आपको साफ़ करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मैं इस नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ, तो ये एक बार में उतना साफ़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये मैं इतना एरिया यहाँ पर साफ़ कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मेरी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, तो जो मेरा यूट्यूब का लोगो था वो यहाँ से हट गया है, पता नहीं किसी ने हटा दिया है, तो उसको मैं दोबारा लगवा लूँगा। लेकिन दोस्तों इधर से देख सकते हो इतना एरिया मैंने इससे साफ़ किया है, और कितनी देर तक किया है वो भी आपने देख ही लिया होगा। और अब मैं इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इधर वाला एरिया साफ़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसको मैं एक मिनट साइड पर रख देता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही रख के और यहाँ पर साफ़ करता हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से इस चीज़ को एकदम साफ़ कर देता है, और जो पानी है वो भी एकदम सूखने लगता है जब हम इस कपड़े से साफ़ करते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, एक बार में ही ये पानी को साफ़ करने लगता है। और जो इधर हमने साफ़ किया था ये यहाँ पर, हो सकता है आप कैमरे में ना देख पा रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर देख सकते हो पानी अभी भी रह चुका है, और जो ऐसे लाइन लाइन्स ही बन गई है। लेकिन इधर वाला ऐसा कुछ नहीं है, पानी भी साफ़ हो गया, और जो लाइंस बनती है कपड़े से वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनी है। और दोस्तों ये लाइन क्यों नहीं बनती है, क्योंकि दोस्तों ये माइक्रोफाइबर इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप अपनी गाड़ी को कुछ ही सेकेंड में अच्छे से साफ़ कर सके। और जो हमारा ये नॉर्मल कपड़ा होता है इससे हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं साफ़ करने में, और प्रॉपरली साफ़ भी नहीं होती है हमारी गाड़ी। देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कैमरे में, अगर आपको दिख रहा होगा तो जो इधर वाला एरिया मैंने कपड़े से साफ़ किया है उस पर ऐसे ऐसे लंबी लाइन सी बन गई है। पानी तो साफ़ हो गया है, लेकिन जो ये स्क्रैच से ऐसे आ गए ये देख सकते हो, शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे उंगली मार रहा हूँ तो ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और इधर मैंने साफ़ किया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, तो देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं उंगली भी आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रहा हूँ ग्लास पे, तो ऐसी कोई लाइन नहीं बन रही है जैसे हमारी इधर बन रही है। ये देख सकते हो कैसे ये लाइन बन रही है। ये तो ये कपड़े की वजह से रहता है, जो ये ऐसे लाइन बन जाती है और मिट्टी या डस्ट छूट जाता है, जिसकी वजह से ऐसे हाथ मारने से ये लाइंस बन रही है। और दोस्तों अब इस हैंड ग्लव्स को भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसको आप अपनी गाड़ी को धोने के बाद जब थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तब भी साफ़ कर सकते हो, या फिर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है तो उस मिट्टी को भी आप बहुत ही जल्दी इससे साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगी है, तो मैं इसको साफ़ करके दिखाता हूँ। तो सिंपली इसको बस ऐसे करना है, और ये यहाँ से देखो एकदम क्लीन हो गई है, ठीक है।
तो सारी मिट्टी को ये अपने ऊपर ले लेता है बहुत ही जल्दी। और थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर लगी हुई है देख सकते हो, इसको भी मैं साफ़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो बिल्कुल एक बार में ही करने से मिट्टी हट जाती है अपनी जगह से, जबकि हमारे नॉर्मल कपड़े से मिट्टी एकदम से साफ़ नहीं होती है। और दोस्तों वो अपने साथ ऐसे जो ये लाइन लाइन सी है मतलब स्क्रैच से बन जाते हैं नॉर्मल कपड़े से, लेकिन इससे साफ़ करने से वो सब चीज़ हट जाती है और बहुत ही जल्दी साफ़ कर देता है। तो आपको कैसे लगे ये सॉफ्ट स्पन के प्रोडक्ट्स कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इन प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट के साथ कैसा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको परचेज़ करना है तो दिए गए लिंक में जाकर क्लिक करें और वहाँ से जाकर इसको परचेज़ करें। ठीक है दोस्तों।